सोनभद्र में पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ यातायात सुरक्षा को लेकर लखनऊ में पुलिस डीजीपी ने हेलमेट लगाकर यातायात सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य में जुटे अधिकारी, तो वहीं पेट्रोल पंप के संचालक सरकार के आदेशों का खुला विरोध करते दिख रहे हैं। सोनभद्र के डीएसओ राकेश तिवारी ने बताया कि सभी पेट्रोल पंपों पर बिना सीट बेल्ट व बिना हेलमेट के कोई भी चालक आए तो उसे किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं दिया जाने का आदेश दिया। जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर इस प्रकार के आदेश दे दिए गए। ऐसा न करने पर उन पेट्रोल पंपों का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई। आदेश को दिए लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद भी अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन पेट्रोल पंप मालिक करते दिख रहे हैं। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए ही पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं, और संबंधित अधिकारी आदेश देने के बाद से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऐसे में आखिर कैसे सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का दावा करते हैं? चुनावों को देखते हुए शासन की चिंता के अनुरूप यह तय किया गया है कि जनपद में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट धारण किए हुए अगर कोई दोपहिया चालक पेट्रोल या ईंधन लेने आता है, उसके टैंक में ईंधन की आपूर्ति न की जाए। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए सभी पंप मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने यहाँ पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था रखें तथा इस आशय की सूचना अपने पंप के सहज स्थान पर दें। चार पहिया वाहनों के लिए क्या व्यवस्था है? चार पहिया वाहनों के लिए जो डिलीवरी मैन होते हैं पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने का काम करते हैं, उनको बताया गया है कि वो सबको बेल्ट पहनने के लिए प्रोत्साहित। अगर ऐसा पेट्रोल पंप वाले नहीं करते तो क्या कार्रवाई किया जाएगा? जो संबंधित नियम कानून है, लाइसेंस की शर्त है, उसके अधीन हम कार्रवाई करेंगे।